इंटरनेशनल स्टार शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान इन दिनों एनसीबी पुलिस की हिरासत में। अपने दोस्तों सहित 3 अक्टूबर से ड्रग्स केस मामले में गिरफ्तार हो रखे हैं। 8 अक्टूबर को उनकी कोर्ट में सुनवाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बेल को दोबारा रिजेक्ट कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोर्ट द्वारा दोबारा से आर्यन की बेल रिजेक्ट किए जाने के बाद आर्यन को ऑर्थर जेल में 14 दिनों के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, ऑर्थर जेल बहुत पुराना जेल है, जिसमें कई बड़ी हस्तियां अपना समय बिता चुके हैं, जिसमें बॉलीवुड स्टार संजय दत्त का भी नाम शामिल है। आपको बता दें, नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ 3 दिनों के लिए जेल में क्वारंटीन होना पड़ेगा। आर्यन खान को जेल में बैरेट नंबर 1 में रखा गया है। सेफ्टी को देखते हुए आर्यन खान को अन्य कैदियों से अलग रखा गया है और जुडिशियल कस्टडी में होने के कारण उन्हें कैदियों वाली ड्रेस नहीं पहना रखी है, लेकिन वीआईपी फैसिलिटी नहीं होने के कारण उन्हें जेल वाला ही खाना खाना पड़ेगा। वैसे आर्यन की भी अभी तक कोई ऐसी डिमांड नहीं हो रही है और ना ही उनके वकील द्वारा ऐसी कोई बात कही गई है। इन सभी घटनाओं के बाद शाहरुख खान की फैमिली बेहद परेशान और हताश नजर आ रही है और शाहरुख खान अपने बेटे को छुड़ाने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे और भी बॉलीवुड से जुड़ी ट्रेंडिंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।